वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद इब्राहिम इस समय कहां है, इसको लेकर दाऊद इब्राहिम के भांजे ने बड़ी जानकारी दी है। दाऊद के भांजे अली शाह पार्कर ने ईडी को बताया है कि दाऊद अभी पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। और आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा अली शाह पार्कर ने ईडी को बताया कि कभी कभी ईद, दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर मेरे मामा यानी दाऊद इब्राहिम की पत्नी, मेरी पत्नी आयशा और मेरी बहनों के संपर्क में रहती हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के अधिकारी अलीशा से पूछताछ कर रहे हैं। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, लगातार जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है और अब भांजे पर। बिल्कुल, देखिए अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, उनके बेटे हैं अलीशा, उनके भांजे हैं, माफ कीजिएगा, उनके भांजे हैं अलीशा पार्कर। और अलीशा पार्कर ने ईडी को बताया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहाँ है, और वो जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान के कराची में है। और साथ ही साथ उनके जो भांजे हैं उन्होंने कहा कि वो कभी कभी ईद, दिवाली और अन्य त्योहारों को लेकर अपने परिवार के साथ बात किया करते हैं। ये जानकारी भी लगातार निकल के सामने आ रही है। हालांकि राजन, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जब भी कोई खुलासा होता है, जब भी कोई पूछताछ होती है तो ये जानकारी आती ही है सामने कि दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के जो संबंधी उनके संपर्क में रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं पुणे नासिक एक्सप्रेस वे परियोजना का काम जोरों पर है। वहीं खीर तहसील में इस परियोजना के काम पर रक्षा विभाग ने आपत्ति जताई है, इसलिए साइट पर काम तुरंत रोक दिया गया है। परियोजना खीर तहसील में सैन्य क्षेत्र से गुजर रही है और इसी पर अचानक आपत्ति जताई गई है, इसलिए जिला प्रशासन का कहना है कि वैकल्पिक गाँव में जमीन अधिग्रहण के लिए चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कि यह परियोजना महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य सरकार और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। यह रेलवे लाइन पुणे नगर और नासिक जिलों में जिस तरीके से प्रस्तावित है उसी के अनुसार चल रही है। इसमें पुणे जिले के 4 तहसील हवेली, खेर, अंबेगांव और जुन्नर के कुल 54 गांव शामिल हैं। पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सोसाइटी को बने 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी आज तक कई समस्याएं हैं। ड्रेनेज की पाइपलाइन में आज तक सुधार नहीं हुआ है। लूप नगर रोड वीआईपी है लेकिन रास्ते पर कोई ब्रेकर नहीं है, इसी वजह से काफ़ी हादसे हो चुके हैं और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बारिश का पानी सोसाइटी के घरों में घुस जाता है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं, इसी वजह से गाड़ी चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना हो जाता कि दो जो फेस है ना वो हमेशा चले जाते हैं, एक ही फेज चालू हो जाता है, और एक बार लाइट चली गई ना तो कम से कम दो दो तीन तीन घंटा लाइट आ जाती ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा है। और अभी तो इसके धूप के बाद इसमें तो इतनी गर्मी होती है और उसमें ये लाइट चली जाती है, कम से कम बोलता है अभी तुमको ये महीने में 3 बार है ना नाइट में ही गई, रात में गई लाइट, रात भर लोग है ना बाहर आके रुक जाते हैं, ज़्यादातर से नाइट में ही चली जाती है लाइट। महाराष्ट्र के वसई में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच में भिड़ंत हो गई है और आपको बता दें कि ट्रकों को उठाने आया क्रेन भी पलट गया है, जिसके बाद गिरे क्रेन को निकालने के लिए दूसरी क्रेन बुलानी पड़ी और वहीं लोडेड होने के कारण ट्रक उठ नहीं पाया। वहीं हादसा होने के बाद सड़क पर जाम लग गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद यातायात 5 घंटे बाधित रहा। नासिक में तीर्थ स्थल की बात करें तो यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर के ज्येष्ठ भाई संत श्रेष्ठ निवृतनाथ महाराज के समाधि मंदिर पर सोने के गुंबद की प्रतिष्ठापना की गई है। ये गुंबद 1.25 किलो सोने से बनाया गया है और बताया जा रहा है कि ये गुंबद तकरीबन 1,25,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर प्रसाद महाराज, अमल नेरकर, जयंत महाराज गोसावी, प्रशासन अधिकारी और जिला सहायक धर्मादे आयुक्त रामलिप्त समेत आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कई महानुभाव और श्रद्धालु मौजूद रहे।
मुंबई के मीरा भाईंदर में एक बार फिर से महानगर पालिका पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि ये बार अवैध रूप से बनाए गए थे, जिसके बाद मनपा ने रॉक स्टार सत्य INN लॉज और मदनेश बाज पर कार्रवाई की है। इस मौके पर मनपा के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। महानगर पालिका की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मुंबई की तस्वीरें आपके सामने, अवैध बारों पर बुलडोजर चला है, मीरा भाईंदर में बुलडोजर चला है, महानगर पालिका की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अवैध रूप से यहां पर बार चलाए जा रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर ये बुलडोजर चला है, जिसके चलते पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बार को ध्वस्त किया जा रहा है पूरी तरह से। मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर बार में बुलडोजर चला, महानगर पालिका की बड़ी कार्रवाई के तौर पर अवैध कब्जों पर इसको देखा जा रहा है। अवैध कब्जा करके बार बनाया गया था, उसको लगातार चलाया जा रहा था। महाराष्ट्र कोर्ट में पिछले 12 सालों से चल रहे केस का समापन हो गया है। इसके बाद कामगार यूनियन की जीत हुई है और 277 कामगारों ने कई सालों के बाद राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मामला पुणे महानगर पालिका का है, जहां पर कामगार यूनियन और महापालिका के बीच में चल रहे केस का समापन हो गया है। दरअसल पुणे महानगर पालिका में 5 साल तक दैनिक भत्ते पर काम करने वाले मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन 2007 में ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद से ये केस लगातार चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। और अब इस केस के खत्म होते ही 277 कामगारों को लाभ मिलेगा।